हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा चैनल राजकेश में। आज बहुत दिनों बाद शिक्षक भर्ती अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में। न्यूज़पेपर के जरिए कई इंपॉर्टेंट अपडेट रही है जिस पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटों पर बातचीत करेंगे। स्कूल में बच्चों की संख्या जो है, नामांकन बढ़ने से बच्चों की संख्या जो है लगातार वृद्धि हुई है, और उसी को लेकर शिक्षकों के पद बढ़ाने को लेकर अपील है। क्योंकि आपने पिछले कई महीनों में ये चीज़ देखा होगा कि लगातार क्योंकि पिछले कई दिनों से और लगातार शिक्षक भर्ती की जब भी बात आई है, लगातार ये बात आपने सुनी होगी कि 17,000 पदों पर नए शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी या सुनने को लगातार मिल रही है। तो ये जो संख्या है 17,000 शिक्षकों का, ये संख्या कहाँ से निर्धारित हुआ है? ये संख्या हुआ है बच्चों, छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात जो कहती है आई है उससे निर्धारित होता है। लेकिन आप लोगों को एक अच्छी बात बता दें कि दो तरीके से नए शिक्षक भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, लगातार आप लोगों को हर चैनल्स पर, कई जगह पर आपको लगातार वीडियोज़ मिलती होंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब स्किप करते हैं वो ये है कि अभी सितंबर तक सरकार ने 100 दिनों का अपना लक्ष्य रखा है। इस 100 दिनों के लक्ष्य में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें हैं। सबसे पहली जो चीज़ें है वो है ट्रांसफ़र को लेकर, स्थानांतरण को लेकर। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पहली मैंने आपको बताई कि स्थानांतरण या ट्रांसफ़र, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टारगेट पर रखा गया है वो है प्रमोशन। और यहीं जो प्रमोशन है वही आधार बनता है, एक पहला सबसे प्रमुख कारण है जो पद बढ़ने की बात हो रही है, और दूसरा प्रमुख कारण जो विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ी है। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे आप लोगों से। तो ये आज का न्यूज़पेपर है जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ, बेसिक शिक्षा परिषद हर जिले को 20% अधिक नामांकन का दिया था लक्ष्य। हालांकि ये 20 नहीं, 23% का लक्ष्य प्रत्येक जनपद को मिला था, प्रत्येक विद्यालय को मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि 23% यानी कि पूर्व सत्र में जितने नामांकन हुए थे उससे 23% एक्स्ट्रा, तो स्कूलों में बड़ा दाखिला, अब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों को पद। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, कई जिलों में पिछले साल से कहीं अधिक हो गया बच्चों का दाखिला। 3.5 साल से प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यही नहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विषय का एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन इन मानकों का पालन नहीं हो रहा है। और पिछले 3.5 साल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जबकि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में स्वयं स्वीकार किया था कि उस समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। हर साल परिषदीय स्कूल में औसतन 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। यदि ये संख्या जोड़ ली जाए तो शिक्षकों के कम से कम 75,000 पद खाली हैं। अब आपको मैं बता दूं कि DLED, BEd, TET, CET पास बेरोजगार 3 साल से नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग लगातार कर रहे हैं। कई प्रकार के धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज जो उनके ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, मानसिक प्रताड़ित हुए हैं और शारीरिक शोषण भी उनका हुआ है। जिस प्रकार से जो उन्होंने आंदोलन अपनी बात रखी उस हिसाब से उनके ऊपर बल आजमाया गया है। तो आखिर बार 1 दिसंबर 2018 को 29,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है पूरे प्रदेश में। प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल तक चलाए गए प्रवेश उत्सव में पिछले साल की तुलना में 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा था, हर जिले को 20% अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य मिला था। अधिकांश जिलों में पिछले साल से अधिक बच्चों का प्रवेश हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सब चीज़ स्पष्ट है। अब सीधी सी बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद की आवश्यकता है, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई कई ऐसे कंपोजिट विद्यालय बनाए गए हैं जहाँ पर एक शिक्षक या 2 शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक उच्च प्राथमिक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अति आवश्यकता है शिक्षकों की। तो प्रमोशन के बाद आवश्यकता और भी बढ़ जाएगी, और
ये लिहाजा रिजल्टेंट इसका यही होगा कि शिक्षकों के पद लगातार बड़ी मात्रा में, जो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आह्वान किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, बड़ी मात्रा में निकाले जा सके। तो ये आप लोगों को मैंने एक सूचना दे दी है कि दो तरीके से पद बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहला कि प्रमोशन जो वो होगा तो उससे सीटें जो वैकेंट होंगी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया, और दूसरा बच्चों के नामांकन बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात बच्चों, जैसे ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे शिक्षकों की कमी उतनी होगी और पद बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की वजह से बड़ी शिक्षक भर्ती की उम्मीद सोची जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी जो वेट कर रहे हैं कैंडिडेट, उन सभी का लाभ हो सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।